हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है साइंटिस्ट बी की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 122 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है सेंट्रल सिल्क बोर्ड में, ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 22 अगस्त से आप जो है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 सितंबर जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 5 सितंबर 2024 तक आप जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 सितंबर 2024 एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 6 सितंबर 2024 तक आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी अदर मोड से आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है। साइंटिस्ट बी की ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है इसके लिए, आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में या फिर मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर साइंस में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है वो क्वालिफिकेशन भी आपके पास जो है होनी चाहिए। एज लिमिट जो रखी गई है 35 ईयर है, मैक्सिमम 35 ईयर्स के आप होने चाहिए। 35 साल जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है। एज कैलकुलेट की जाएगी, कट ऑफ डेट जो है 5 सितंबर 2024 रखी गई है। 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उसके लिए आपने जो है वो अपीयर या अपीयरिंग करना है आपने ICAR, ये जो इनका PhD का एग्ज़ाम है उसमें आपने जो है खुद को अपीयर या अपीयरिंग में होने चाहिए आपको PhD के लिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको जो है वो डिटेल में दिया गया है। मास्टर डिग्री जो एलिजिबल हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जो है वो डिटेल में दे रखा है, जिससे आप चेक कर लेंगे। जो यहाँ वैकेंसीज है 122, ये वैकेंसी जो है वो 122 जो है टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से 50 वैकेंसी अनरिजर्व, 12 वैकेंसी EWS, 31 OBC, SC के लिए 9 और 20 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 8 वैकेंसी जो है वो आपकी PWBD कैंडिडेट जो है उनके लिए भी रिजर्व रखी गई है। जो फर्स्ट वैकेंसी है कोर ग्रुप जो है वो है कोर साइंस 1 का ग्रुप है। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में है। 3 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए है। प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज में आपकी 3 वैकेंसीज हैं, 1 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी OBC और 1 वैकेंसी SC कैंडिडेट्स के लिए है। क्रॉप साइंस 2nd में आपकी जो है। सीरीकल्चर में 43 वैकेंसीज हैं, जिसमें 17 वैकेंसी अनरिजर्व, 4 वैकेंसी EWS, 11 वैकेंसी OBC, 3 वैकेंसी ST और 8 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए हैं। सेरीकल्चर जो है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा एंटोमोलॉजी में आपकी जो है 17 वैकेंसीज है, जिसमें 5 वैकेंसी अनरिजर्व, 4 वैकेंसी EWS, 5 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी ST और 2 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। प्लांट पैथोलॉजी में भी यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 वैकेंसी अनरिजर्व और 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। यहाँ पर सीरीकल्चर और आपकी एंटोमोलॉजी में आपकी जो है वो PWBD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ये वैकेंसी जो है वो PWBD कैंडिडेट्स के लिए हैं, सी कल्चर और एंटोमोलॉजी में। क्रॉप साइंस 3 में आपकी जो है वो प्लांट पैथोलॉजी में फिजियोलॉजी में सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसीज हैं, 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है और 1 वैकेंसी ST कैंडिडेट्स के लिए। माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी आपकी OBC और 1 वैकेंसी SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। वेटनरी एंड एनिमल साइंस 1 में आपकी एनिमल न्यूट्रिशन में 3 वैकेंसीज हैं, 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी EWS, 1 वैकेंसी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में है। यहाँ पर फॉरेस्ट्री में आपकी जो है वो 5 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी OBC और 1 वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट्स के लिए हैं। एग्रीकल्चर फिजिक्स में 2 वैकेंसीज हैं, 1 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इन्वायरमेंटल साइंस में 1 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी अनरिजर्व है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट 2nd में आपकी जो है वो एग्रोनॉमी में आपकी 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 3 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी EWS, 1 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी SC ST और 2 वैकेंसी जो है SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। सॉइल साइंस में 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व, 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट आपका जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 4 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी आपकी EWS और 1 वैकेंसी ST कैंडिडेट्स के लिए है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आपकी 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में 10 वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसी आपकी जो है वो अनरिजर्व, 1 EWS, 2 OBC, 1 ST और 2 SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में आपकी जो है वो 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व, 2 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फार्म
फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में आपकी 3 वैकेंसीज हैं, टोटल 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी आपकी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल 122 आपकी टोटल वैकेंसी जो हैं वो निकाली गई हैं। यहाँ कुछ वैकेंसी जो हैं, 8 वैकेंसी जो मैंने आपको बताया वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। सीरीकल्चर में 4 वैकेंसी हैं, एंटोमोलॉजी में 2 हैं, एग्रोनॉमी में 1 है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में आपकी 1 वैकेंसीज हैं, टोटल 8 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपको जो है रिवाइज विद स्पेसिफिक बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उसके हिसाब से आपको यहाँ दिया गया है, जिसे आप चेक कर लेंगे। रिजर्वेशन जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको HSA, EWS, SC ST, OBC, एक्स सर्विस मैन, PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ ए सिलेक्शन प्रोवाइड की गई है। सब्जेक्ट की जो आपको यहाँ पर किस किस फील्ड में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और मास्टर डिग्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बोर्ड CSB रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन ICAR यहाँ पर आपको दे रखा है, जिसके आपको चेक कर लेंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो है आपकी, 2 मिनट हम चेक कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो है आपकी 1000 रुपीज़, 1000 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है। और ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी पे करनी है अनरिजर्व EWS OBC एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने। अगर आप SC ST PWBD या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तब आपने किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, याद रखना है मेल कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से, OBC से, एक्स सर्विसमैन से, तब आपने 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस जो है पेमेंट नहीं करनी है। लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की एप्लीकेशन फ़ीस 6 सितंबर 2024 है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।